नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पाल। बात करेंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल की, देंगे आपके सवाल का जवाब और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे आज का बेहद खास रामबाण। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह। सबसे पहले आज की सलाह। आज भगवान शिव को अपने घर में खीर अर्पित करें, खुद से खीर बनाएं, भगवान शिव को इसका भोग लगाएं और इसके बाद घर के सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से परिवार में प्रेम और सौहार्द दोनों ही बढ़ेगा, दोनों ही बेहतर होगा। अब जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए आज का वक्त कैसा जाने वाला है और फिर बात करेंगे आज के रामबाण उपाय। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है। किस्मत पहले की तुलना में सुधर रही है। सलाह क्या है? देखिए, ज्यादा इमोशनल मत होइए, हर बात को लेकर बहुत भावुक होंगे तो परेशान हो जाएंगे। अपनी संतान की समस्याओं को समझें और उसके हिसाब से उसको समझाएं। आज सुगंध लगाकर घर से निकलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मुकदमों में विजय के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें और परिवार में वाद विवाद से बचें, अहंकार से दूर रहें। सलाह ये है कि अपने बाड़ी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार ठीक बनाए रखें और शीतल जल पीकर घर से निकलें आज, ताकि दिन भर शीतलता बनी रहे और आज संघर्ष कम करना पड़े। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आ रही है, धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाएंगे ऐसा भी लग रहा है और नौकरी में प्रमोशन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह ये है कि महत्वपूर्ण काम फिलहाल न टालें तो बेहतर होगा और घर में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें, घर में अंधेरा कोई कोना न रखें। आज मिश्री खाकर घर से निकलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कर्क राशि, प्रेम संबंध पहले की तुलना में आज बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम भी आज बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको खान पान का ध्यान देना होगा, पेट खराब हो सकता है। सलाह ये है कि अति विश्वास से बचाव करें, मैदे वाली चीजें आज बिल्कुल ना खाएं और हल्दी का तिलक या तो अपने कंठ पर या तो अपने गले में मस्तक पर लगा के निकलें, उससे आपको फायदा होगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। सिंह राशि, अपयश से आपको बचाव करना है आज, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि संतान पक्ष की जो समस्या है उसका समाधान दोपहर के बाद निकल जाएगा, थोड़ी सी राहत की सांस शाम को आप ले पाएंगे। सलाह ये है कि अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, संपत्ति संबंधी मामलों से दूर रहें और अक्षत लेकर आज घर से निकलें। जरा सा चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो उनको अक्षत कहते हैं, दो चार दाने चावल के अपने जेब में रख के निकलिएगा, सफलता आपको मिलती जाएगी। कन्या राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं, दौड़ भाग भी आपकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज काफी थकान भी है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। सलाह ये है कि आज शाम के समय धन का लेन देन मत करिएगा, ज्यादा ड्राइविंग मत करिएगा और कुछ धन का दान करिएगा तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी, मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों का हाल भी जानेंगे और बात करेंगे रामबाण उपाय की भी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। दीपक ने हमें मेल लिखा है, उड़ीसा से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 12 मार्च 1990, जन्म का समय है सुबह 8:40, जन्म का स्थान है कटक उड़ीसा, लिख रहे हैं भुवनेश्वर से। दीपक ने हमें लिखा है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य की वजह से पिछले एक साल से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी में अड़चने आ रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई इन्होंने की है, तकनीकी नौकरी कर रहे थे, लेकिन एक साल से गड़बड़ हो गई है, तो क्या उपाय करें कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए और नौकरी और कारोबार में भविष्य क्या कहता है, इस बारे में जानना चाहते हैं। दीपक, पिछले एक वर्षों से देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं थी और इसी वजह से आप परेशान थे, बट फिलहाल बृहस्पति बेहतर हो चुके हैं, इसलिए अब धीरे धीरे 1.25 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और अभी कम से कम
उम्र के 38-40 वर्ष तक ज्योतिष के हिसाब से आपको नौकरी ही करनी चाहिए। आप नौकरी ही करें, और अभी जहां तक नौकरी का सवाल है, आप कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएंगे अगर कोशिश करें, और जनवरी के बाद से उसमें खूब तरक्की होगी। तो नौकरी में आगे बढ़ें, और पाचन तंत्र का, पेट का ही आपको मूल रूप से ध्यान देना है। तो खाने पीने के मामले को जितना बैलेंस रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होंगे। दो उपाय करने की जरूरत है, एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को आप पहनें, उससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप सीधा हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com। जान लेते हैं अब तुला से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, और फिर बात करेंगे आज के रामबाण उपाय। तुला राशि, पारिवारिक संबंध आपके पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेकिन आज टाल दीजिएगा, और अपने मान सम्मान पर ध्यान दीजिएगा। खासतौर से दोपहर के बाद शांति बनाए रखिएगा। आज की सलाह क्या है, देखिए, एक तो परिवार में किसी तरह का वाद विवाद ना करें तो बेहतर होगा। कुछ भी लिखने में सावधानी रखें, मान जरूर रखिएगा ताकि किस्मत भी आपके साथ बनी रहे। वृश्चिक राशि, रोजगार में बेहतरी होती दिखाई दे रही है, उपहार का लाभ हो रहा है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आज की सलाह ये है कि अपने आसपास की समस्याओं को समझने की कोशिश करें, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दवा खाने के मामले में लापरवाही मत करिएगा, दवाई स्केप मत करिएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और बहुत सारे आज आभूषण मत पहनिएगा, चोरी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, इसका ध्यान रखिएगा। धनुराशि, खान पान पर ध्यान देना है आपको, और हड्डियों की समस्या से बचाव भी करना है। अचानक धन की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए, धन का सही इस्तेमाल करिए। सलाह ये है कि अहंकार से बचिए आज, घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और मिश्री खाकर घर से निकलिए ताकि भाग्य आपका प्रबल बना रहे। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, सेहत का ख्याल लेकिन आपको बहुत बनाए रखना है। सलाह ये है कि जो योजनाएं आप बना रहे हैं, घर की योजना है, विवादों की योजना है, उसको गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। और काम करने की जगह को साफ सुथरा रखिए, अपने ऑफिस को, ऐसा करके आप अपने भाग्य को चमका पाएंगे। और सुगंध लगाकर घर से निकलिएगा तो आज का दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, कारोबार में सफलता के संकेत हैं, वैवाहिक जीवन में सुधार हो रहा है, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए। सलाह ये है कि पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह का क्रोध बिल्कुल ना करें, घर के सीलन वाली जगह को ठीक करें, घर में जहां सीलन है उसको ठीक कर दें, क्योंकि उसकी वजह से बेवजह आप परेशान हो रहे हैं। अपने साथ आज पेन जरूर रखिएगा, ऐसा करने से आपका दिन बेहतर होगा। मीन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, और अगर कोशिश करें तो नई नौकरी का अवसर भी आपको मिल जाएगा। आज की सलाह ये है कि धन की बचत पर ध्यान दें, ऑफिस का काम दूसरों के भरोसे ना छोड़ें, और किसी धर्म स्थान पर आज जरूर चले जाइएगा, ऐसा करने से इंटरनल ताकत मिलेगी, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन हमने समझ लिया कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं आज का रामबाण उपाय। कोई परीक्षा है, कोई प्रतियोगिता है, कोई एग्जाम है, कंपटीशन है, उसमें आपको सफल होना है, क्या करेंगे, पूजा स्थान पर भगवान को लाल फूल अर्पित करेंगे। जिस दिन परीक्षा होगी, जिस दिन कंपटीशन होगा, भगवान को अपने घर के पूजा स्थान पर एक लाल फूल, चाहे गुलाब का हो चाहे गुड़हल का हो, वो अर्पित करिए। इसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, और जब एग्जाम देने जाने लगेंगे तो लाल फूल लेकर परीक्षा में जाएंगे, सफलता की संभावना बढ़ती जाएगी, सफलता मिलने के योग ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अलग अलग राशि के लोगों के तारों के बारे में हमने जाना, और ये भी जाना कि आज का रामबाण उपाय क्या है। अब जान लेते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा,
करियर में बदलाव होगा, रोजगार में बदलाव होगा और ये बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा होगा। नए संपत्ति का, वाहन का लाभ भी होगा, लेकिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सलाह क्या है, पूरे वर्ष भगवान शिव को जल अर्पित करिए और एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा। ऐसा करने से पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम बना रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ और रामबाण के अचूक उपाय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।